हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। कल छात्रों मैंने हिंदी संस्कृत के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास का पार्ट वन में 3 श्लोकों का अर्थ आपको बताया था और उसमें 3 श्लोक बचे थे। तो आज इस पार्ट टू वाले वीडियो में मैं उन 3 श्लोकों को सम्मिलित किया हूँ और उसका अर्थ आपको बढ़िया से समझाऊंगा। जिन छात्रों ने अन्योक्ति विलास के पार्ट वन वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से पार्ट वन भी देख सकते हैं। चलिए छात्रों, तब करते हैं वीडियो को शुरू। 4th श्लोक है, रे रे चातक सावधान, मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम, अम्बोदा बहो ही संति गगने, सर्वे अपि नय तादृशाः, केचित् विष्टभि आर्दयन्ति वसुधा, गर्जन्ति केचित् वृथा, यम यम पश्यसि तस्त तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचः। चलिए छात्रों, पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं और इसके बाद पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। मनसा का अर्थ होता है मन से, क्षणम मतलब क्षण भर, श्रूयताम मतलब सुनो, अम्बोदा का मतलब होता है बादल, बहो का मतलब होता है बहुत से, गगने मतलब आकाश में, सर्वे अपि मतलब सभी, नैतादृशा मतलब एक जैसे, केचित का अर्थ होता है कोई, विष्टभि मतलब वर्षा करके, आर्द्यन्ति मतलब गीला कर देते हैं, वसुधाम का मतलब होता है पृथ्वी, गर्जन्ति मतलब गर्जना करते हैं और वृथा मतलब बेकार, यम यम मतलब जिसे जिसे, पश्यसि मतलब देखते हो, तस्य तस्य उसको उसको, पुरतो मतलब होता है सामने, मा मतलब मत, ब्रूहि मतलब बोलो, दीन मतलब होता है दीन, बचा मतलब वाणी या अपनी बात को। चलिए अब इस श्लोक का अर्थ पूरा समझते हैं और इसके भावार्थ को क्लियर करते हैं। रे रे चातक सावधान, मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे प्रिय मित्र चातक, ध्यान पूर्वक मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। अम्बोदा बहो ही संति, बादल बहुत से होते हैं गगने आकाश में, सर्वे अपि नय तादृशा और सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, केचित विष्टभि आर्दयन्ति वसुधाम, कोई तो वर्षा करके गीला कर देते हैं पृथ्वी को, गर्जन्ति केचित वृथा और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचः। इसलिए जिस जिस को तुम देखते हो उस उसके सामने अपने दीन वंदना या अपने दीन वचनों को मत बोलो। हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सकें। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। याचक के संदर्भ में इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। हे याचक, ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। इस संसार में बहुत से दानी हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर दें। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते हैं, अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। चलिए छात्रों, बढ़ते हैं श्लोक नंबर 5 की तरफ। न वै ताडनात तापनाद बहि अग्निमध्य, न वै विक्रयात क्लिश्मानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जना गुंजयास तोलयन्ति। आइए छात्रों, पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। ताडनात का अर्थ होता है पीटने से, तापनात मतलब होता है ताप देने से, और विक्रयात मतलब बेचने से, क्लिश्मानो अहम अस्मि मैं दुखी हूँ, क्लिश्मान मतलब दुखी, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ, मैं दुखी हूँ, सुवर्णस्य मतलब होता है सोना, मुख्य दुखम मतलब होता है मुख्य दुख, तदेक मतलब एक ही, यतो मतलब कि, माँ मुझे, गुंजया मतलब होता है रत्ती, तोलयन्ति मतलब तोलते हैं। न वै ताडनात न ही पीटे जाने से, तापनात बहि मध्य और न ही अग्नि के बीच में तपाने से, न वै विक्रयात और न ही बीचने से, क्लिश्मानो अहम अस्मि मैं दुखी हूँ, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेक सोने का केवल सबसे प्रमुख दुख एक ही है, यतो कि मा जना मुझे लोग
गुंजया तोलंती रत्ती भर से तोलते हैं। सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, आग के बीच में गरम करने से या बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। मुझे एक मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती भर से तोलते हैं। इस श्लोक का गुड़ी मनुष्य के पक्ष में जो अर्थ है वो इस प्रकार है। गुड़ी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं होता। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना किया करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 6 की तरफ। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानु उद्देश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्वेरेफे हा हंत नलिनी गज उज्जहार है। रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम् और सवेरा हो जाएगा, भास्वानु उद्देश्यति और सूर्य उग जाएंगे, हसिष्यति पंकजाली और कमलों का समूह हंसने लगेगा अर्थात खिल जाएगा। इत्थम ऐसा बीच चिंतयति सोच रहा था, कोशगते कमल के कोश के अंदर, द्वेरेफे भौरा ऐसा कमल के कोश के अंदर जो भौरा था वो सोच रहा था, हा हंत कितनी दुख की बात है नलिनी गज ज्वार कि उस कमल को ही हाथी ने उखाड़ लिया। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, रात चली जाएगी और सवेरा हो जाएगा, भास्वान उदेश्यति और सूर्य उग जाएंगे, हसिष्यति पंकजाली और कमलों का समूह जो होगा वो खिल जाएगा। इत्थम भी चिंतते कोशगते गुदेरेफे, ऐसा सोच रहा था कोश के अंदर स्थित भौरा, हा हंत कितनी दुख की बात है नलिनी गज जोहार कि हाथी ने पूरे कमल को ही उखाड़ डाला। इस श्लोक का मनुष्य के पक्ष में जो अर्थ है वो इस प्रकार होगा। एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के दिन आ जाएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही छात्रों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नमस्कार।